नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस सफर में मोदी सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही, इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम लखनऊ के जनता के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि 9 साल में बीजेपी सरकार में भारत में कौन कौन क्षेत्रों में बदलाव हुआ है, 9 साल में भाजपा सरकार से आम जनता कितनी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल पूरा हो गया है। जी, आपको बता दें कि 9 साल पूरा होने पर बीजेपी पूरे देश में जनसंपर्क अभियान चला रही है, जनता के पास अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, उनसे जाके बातचीत कर रही है, उनसे संपर्क कर रही है। वहीं जो विपक्ष है वो इस पर हमलावर हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 9 साल में 9 उपलब्धियाँ ही गिना दे बीजेपी, वो देश के लिए कितना काम किया है। तो आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से कि 9 साल में उन 9 उपलब्धियों को बताएं और बीजेपी के काम से जो लखनऊ की जनता हो कितना खुश है और उन पे क्या प्रतिक्रिया दे रही है। क्या बीजेपी सरकार 9 साल पूरा कर रही है, अपना कर चुकी है, और क्या आपको लगता है 9 साल में कितना जो भारत में कितनी उपलब्धियां हुई और क्या क्या चीजें आप लोग के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, ऐसा क्या काम की बीजेपी? बुजुर्गों के लिए पेंशन मिल गया, मिल रहा है हम लोगों को राशन पानी, गरीबों के लिए अच्छा है भाई। हाँ, मतलब उपलब्धियाँ है, बहुत ज्यादा काम किए 9 साल। ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे जो विपक्ष है वो कह रही है कि सब कहेगा भाई। हाँ, वो तो अपना अपना सत्ता सब संभालेगा। अच्छा, जो हमारे सामने हम कह दिए। शौकत अली जी, आपका ये कहना है कि बीजेपी सरकार हम लोग के लिए बहुत ज्यादा उपलब्धियाँ लेंगे, काम भी किया है इसलिए। जी जी जी, राधा मोहन शर्मा सर, ये बताइए बीजेपी सरकार को 9 साल पूरा हो गया है, कितना काम भारत लेके युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, मैंने कितना के लिए? एक तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो किसी के लिए काम किया है? खाली मैं ग्रामीण महिलाओं के लिए किया है, वो भी एक बार सिलेंडर दिखा दिया, उसके बाद मैं भराने के लिए तरसो है, एक बार दे दिया। युवाओं के लिए क्या किया, किसके लिए क्या किया? पुलिया बनाई है, रोड बनाई है, और तो कुछ बनाया नहीं। तो आप उनके कामों से खुश नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे इसमें? बस यही कहना चाहेंगे, हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मीना जी, क्या बता सकती है, 9 साल बीजेपी सरकार के पूरा हो गया है, आप लोग के लिए, महिलाओं के लिए कितना काम बीजेपी सरकार में हुआ है? सही काम किए हैं। सही काम किए, क्या क्या आपको मिला है योजनाएं? हमको तो अभी योजनाएं कुछ नहीं, जैसे सिलेंडर महिलाओं के लिए मिला, ऐसे तमाम योजनाएं भी महिलाओं के लिए, तो क्या आपको इस सुविधाओं का लाभ मिला? मिला है। नहीं, राहुल जी ये बताइए कि बीजेपी 9 साल पूरा हो गया है, कितना काम पूरे देश में, कितना परिवर्तन लाया है, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, कितना बताना चाहेंगे? मैम देखिए, बीजेपी जो कर रही है वो अपने हिसाब से सही काम कर रही है। अच्छा। और पहले से विकास भी हुआ है मैम। अब देखिए मैम, फ्लाईओवर बन गए, कितने रोडे बढ़िया बन रही है, गड्ढा मुक्त रोडे हो रही है, और क्या चाहिए मैम बीजेपी से? अच्छा। राशन फ्री में दे रही है। युवाओं के लिए मैम वैकेंसी तो निकली, युवा जितने काबिल होंगे उनके हिसाब से उनकी भर्ती की जाएगी। मतलब आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश है मैम। अभी स्टाफ नर्स की अभी 2-3 हज़ार वैकेंसी निकली, तो मैम जो काबिल आदमी होगा, जो पढ़ाई लिखाई करेगा, वो निकलेगा, वो हो जाएगा, उसमें घुसखोरी थोड़ी ना हो रही है। अच्छा। कि पैसा दे दिया और आपका जो है हो गया वहाँ पे। इससे पहले घुसखोरी चली थी, भ्रष्टाचार था, ये सब कितना हद तक कम हुआ? बिल्कुल बहुत कम हो गया मैम। अच्छा, उनकी सरकार से अब खुश है? बिल्कुल खुश है। नवनीत सिंह। नवनीत जी, क्या बीजेपी 9 साल अपना पूरा कर ली है, पूरे केंद्र में या पूरे उत्तर, पूरा भारत में वो कितना बदलाव लेकर आई है, युवाओं के लिए कितना काम किया है उन्होंने, और जो महिलाएं हैं उनके लिए कितना बदलाव किया है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं 9 साल में? 9 साल में काफ़ी उन्होंने बदलाव करे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, काफ़ी अच्छा हुआ है। मेडिकल टर्म्स, कोविड के पहले जो कंडीशन थी, जैसे कि कांग्रेस ने हमें 75 सालों में छोड़ दिया था, ठीक है, उन सब चीज़ों को अभी उन्होंने काफ़ी मॉडिफाई किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बेसिकली अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया प्रोबेबली 10 साल के पहले से और अभी के मुकाबले, ठीक है। और जो है फॉरेन पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी है इंडिया की हो गई, बहुत ही बेहतर फॉरेन पॉलिसी चल रही है। जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनका काफ़ी अच्छा फॉरेन रिलेशन, फॉरेन ट्रेड, हम लोग का काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है उस चीज़ों में, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल रही है हमें, हाँ, ठीक है। तो फिर अब जैसे G20 में, ठीक है, जिस तरह से हमारे कंट्री रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही शानदार है इस चीज़ को लेकर। तो ये बताइए, महिलाओं की बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या थी, क्या उससे महिलाएं जो इससे खुश है, क्या उनकी जो समस्या थी उससे छुटकारा मिला उनको 9 साल में? काफ़ी मिला, ठीक है। बात की जाए तो उन्होंने 3 तलाक हटाया, ठीक है, तो वो भी एक कुछ चीज़ों में सही है रिलीजन प्रोस्पेक्टिव से देखें, पर कुछ चीज़ों में गलत भी था, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ पे कानून बनाया,
ठीक है, बाकी एक फ्रीडम है रहने की, आपको आज़ादी है काम करने की। बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब महिलाओं पे प्रतिबंध हैं काफ़ी चीज़ों पे करने पे, तो भारत में भाई आप भी एक महिला हैं तो आप देख सकती हैं, ठीक है, करियर ग्रोथ और सब चीज़ें इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर कास्ट के लिए और हर चीज़ के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कुछ भी आप जैसे मना? अच्छा काम कर रही है भाजपा सरकार और अच्छा है सब कुछ, बढ़िया चल रहा है। युवाओं के लिए कितना आप सोचे, कितना काम किया है? युवाओं के लिए ठीक है, बट अभी जैसे इसमें स्टडी के क्षेत्र में थोड़ा सा गवर्नमेंट का बदलाव करना चाहिए, बदलाव की जरूरत है। रामकर जी ये बताइए, 9 साल में बीजेपी पूरे देश में कितना बदलाव आपको देखने को मिला महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आप लोग के लिए कितना काम किया है बीजेपी ने? जी हम लोगों के लिए भी, जैसे हम लोग तो कुछ जैसे गाँव में खेती किसानी वाले लोग हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट अच्छा काम किया है, क्योंकि जैसे किसान प्रधानमंत्री निधि जो जो किसान को पैसा मिलता था उसके लिए पैसा मिलने लगा, किसानी खेती के लिए जो है लोगों को थोड़ा सहूलत मिल गई, नए नए जो है किसानों के लिए यंत्र दे रही गवर्नमेंट और बीज भी उपलब्ध करा रही हमारे लिए, तो सीधा तो हमारे लिए जो है गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप उनके 9 साल कामों से बहुत खुश हैं, उन्होंने भारत देश में बहुत ज़्यादा बदलाव किया, आप ये मानते हैं? जी बहुत अच्छा बदलाव किया, इसी तरह अगर बदलाव रहेगा तो हमारा देश अच्छे रास्ते पर। बदलाव की है पूरे भारत में, क्या क्या काम किया, क्या योजनाएं लाई थी, क्या उसके बारे में कुछ बताइए? नए काम की तो गिनती उंगलियों पर की नहीं जा सकती जी, काम तो नया बहुत हुआ है, एक तरफा नए हो रहा है, पुराना तो सब छूट रहा है। तो बदलाव हुआ है? हाँ बदलाव हुआ है, लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। तो आप कितना खुश है, क्या आप बीजेपी सरकार के 9 साल में काम में जो किया है उससे आप सर्टिफाइड है, उससे आप खुश हैं? आप लोग के लिए कितना काम किया है बीजेपी सरकार? उससे हम संतुष्ट हैं। अच्छा खुश नहीं, संतुष्ट हैं। हाँ संतुष्ट है। हाँ? तो आप चाहिए कि बीजेपी सरकार ही आए? आ जाएगी। अच्छा आ जाएगी, आ जाएगी। विपक्ष कहना चाह रही है कि जो 9 साल उन्होंने अपना गिना है, 9 साल कार्य पूरा हो गया है, लेकिन हमें 9 उपलब्धियाँ ही बता दे कि 9 काम कितना किए हैं, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं काम किया है, विपक्ष का तो कहना है कुछ भी काम करे गवर्नमेंट, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाए कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन इतनी जो उपलब्धियाँ गिनाया नहीं जा सकता। अच्छा मतलब जनता की जनता है, हाँ जनता खुश है, बीजेपी ने काम किया, हर स्तर पर काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। आप देख लीजिए रोडों कितना अच्छी अच्छी रोडें बना रही है और औद्योगिकरण के लिए देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है हमारे हिसाब से। हाँ ये बताइए अंकल, बीजेपी 9 साल अपना पूरा कर लिया, कितना बदलाव हुआ है, किन किन क्षेत्रों में बदलाव देख रहे हैं 9 साल में? बदलाव तो नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत काम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। मानते हैं कि थोड़ा बहुत काम हुआ? थोड़ा बहुत हुआ है, ना के बराबर, ना के बराबर। हाँ तो क्या क्या काम हुआ है कुछ उसके बारे में बता दीजिए। काम क्या है, बस जिसको मदद मिलनी थी उस हिसाब से मदद मिली नहीं है गरीबों को। अच्छा बस फायदा अमीरों का हुआ है इसमें। अच्छा सिर्फ अमीरों का फायदा, और क्या। तो ये बताइए जिसने योजनाएं लाए, जो महिलाओं के लिए योजनाएं लाए, जो युवाओं के लिए, तो वो क्यों सब क्या था? युवाओं को भी पूरी तरीके से योजना नहीं मिल पाई है। अच्छा युवाओं को भी नहीं मिली, नौकरी मिली नहीं मिली, जब भी बेचारे वैकेंसी आई भर्ती का लगाया फॉर्म किया, बाद में क्या हो गया उसमें स्टे हो गया, कोर्ट में स्टे ले लिया, बैंड है हर भर्ती पे बैंड है। तो आप उनके काम 9 साल में खुश नहीं है, उसे संतुष्ट नहीं है? नहीं। अमित जी ये बताइए, बीजेपी 9 साल पूरा कर चुकी है, किन किन क्षेत्रों में आप बदलाव देखते हैं? वहीं विपक्ष इस पे हमला कर रही है कि 9 साल में 9 ही काम गिना दे, 9 उपलब्धि अपना गिना दे, कितना काम हुआ, आपका क्या कहना है? बीजेपी डराने की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है आपस में। अच्छा। और ये दिखाती है कि हिंदू असुरक्षित हैं और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उनसे रक्षा कर सकती है, मुसलमान उसके ऊपर हमलावर हैं, तो बीजेपी की यही राजनीति है। मतलब बीजेपी और जो विकास कार्य किए हैं जी। तो विकास कार्य तो हर सरकार करती है, इससे पहले भी सड़कें बनी थी, सड़कें बनी हैं तो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, कई हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे देश पर, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर 9000 कुछ रुपए का कर्जा है। अच्छा। ये गूगल पे सर्च करके आप निकाल सकते हैं, हमारा देश अभी कर्ज में है। तो सबसे पहले जो भी सत्ता में पार्टी है उसको देश में स्वरोजगार के साधन उत्पन्न करने चाहिए, देश की बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, उद्योग धंधों को यहाँ बढ़ावा देना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी ने अभी कोई बदलाव नहीं किया, कोई काम नहीं किया है? बिल्कुल बदलाव किया है, 3 तलाक का मुद्दा बहुत प्रशंसनीय है, अच्छा काम किया है जी। लेकिन धर्म से हटकर जैसे राम राज्य था जी।
जैसे व्यवस्था राम राज में थी वैसा शासन करना चाहिए बीजेपी को। योगेश जी, 9 साल बीजेपी के पूरा हो गया है, किन क्षेत्रों में बदलाव देख रहे हैं? वही विपक्ष इस पे हमलावर है कि 9 ही उपलब्धियां बता दीजिए, आप कितनी उपलब्धियां गिना सकती हैं बीजेपी की? मुझे तो कोई आइडिया नहीं इस समय, कोई आइडिया नहीं, कोई काम बीजेपी नहीं किया है। मुझे ऐसा कोई बड़ा काम नहीं दिखा जो दिखे साफ साफ। कोई योजनाएं आपको याद आ रही है जो बीजेपी 9 साल में दिया होगा आपको, कोई योजनाएं ऐसी? ये राशन वाशन के लिए थोड़ा सा, देहात में गरीबों के लिए थोड़ा सा अच्छा हुआ है। अच्छा, शहरों में नहीं हुआ? शहरों में भी है, उस चीज़ें सब जगह लागू है, शहर में देहात में। अच्छा, गरीबों के लिए एक फायदा है। ये बताइए किसानों के लिए और युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? युवाओं के लिए तो कुछ देखा नहीं गया अभी तक विशेष। और किसानों के लिए? हाँ, किसानों के लिए कुछ योजनाएं हैं जो कारगर हैं। अच्छा, सर आपका नाम? अमित। अमित जी, 9 साल में बीजेपी कितना काम किया है, किन क्षेत्रों में बदलाव किया है, आप एक युवा, आप कितना बदलाव देख रहे हैं? बदलाव बहुत किया बीजेपी ने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो आम आदमी आराम से जी रहा है, जो गुंडा टैक्स थी और यूपी में जो गुंडा राज था उसको खत्म किया है। खत्म किया है। हाँ। यही विपक्ष उस पर हमलावर हो रही है कि कोई काम किया, 9 उपलब्धियां गिना दिया, आप कितना उपलब्धियां गिना सकते हैं? 9 उपलब्धियां में से बड़ा ये उपलब्धियां है कि जो गुंडा माफिया लोग थे वो सही हो गए हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विकास तो किया है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में भी काफ़ी विकास हुआ था, जैसे कि उन्होंने लखनऊ में स्टेडियम मंदिर का हुआ बता। 9 उपलब्धियां आप बता दीजिए, 9 साल में जो योगी सरकार का, जो बीजेपी सरकार का पूरा हो गया है 9 साल, आप 9 उपलब्धियां बता दीजिए। 9 उपलब्धियां की तो जानकारी नहीं है मैम, बट जो हमारा मेन मुद्दा था, हम लोगों ने इतने दिनों के बाद राम मंदिर जो हमारा बन रहा है, प्लस उधर काशी में कॉरिडोर बना, सबसे बड़ा काम तो ये दो है हमारे यूपी के लिए, जो कि पूरे देश के विदेशों विदेशों से लोग आएंगे टूरिस्ट, जो उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप एक युवा हैं, आपके लिए कितना काम किया है बीजेपी सरकार? हम लोगों के लिए तो काम तो कुछ विशेष नहीं, बेरोजगारी को लेकर के थोड़ा सा ध्यान सरकार का नहीं है इस पे, बट माना जाए तो प्राइवेट जॉब के अलावा गवर्नमेंट जॉब भी लोगों, कितने लोग ओवर एज हो गए बेचारे, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट। उपलब्धियाँ बता दीजिए। मैम, उपलब्धियाँ तो नहीं, लेकिन अभी हम लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेनली हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो अभी ब्रजेश पाठक जी का एक बयान आया था कि कोई भी MR मतलब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिख सकता है। अच्छा। तो अभी हम लोग जब अंदर थे, अभी पुलिस ने अल्टीमेटम हम लोग को दिया कि आप लोग बाहर जाइए। हम लोग का तो रोजगार यही है, कंपनी हम लोग को इसी चीज़ का पैसा देती है, हम लोग अगर अपनी मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और एक बात और है, अगर ऐसा चलेगा जो MR लोग KGMC मेडिकल कॉलेज में ही सिर्फ काम करते हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, वो बेचारे कहाँ काम करेंगे? मैम, इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना तो किसी पेशेंट को डिस्टर्ब करते हैं, ना किसी डॉक्टर को डिस्टर्ब करते हैं। जो नई मेडिसिन आ रही है मार्केट में, जिस भी सेगमेंट की हो, तो डॉक्टर को और MR को दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो नई मेडिसिन, ये बताइए, आप तीनों लोग एक युवा हैं, ये बताइए कि कितने परसेंट तक आप लोग खुश हैं बीजेपी सरकार से, 9 साल में क्या क्या बदलाव आप देखे हैं? मैम, बदलाव की बात किया जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट में चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई हैं। हाँ। चीज़ें अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें जो है, जो अनइथिकल प्रेशर दे करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो गलत है। आम आदमी को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जो जैसे भी ये ठेले वाले भैया, इनको मतलब जो इनका रोजगार तो यही पे है, इनके लिए आप एक व्यवस्था करिए, कोई मार्केट लगवाइए, सब कुछ किया, अगर वो यहाँ पे रोजगार करे उनको भगा मार के भगाया जा रहा है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करें उनको गिराया जा रहा है, ये सब चीज़ है। बीजेपी सरकार किस काम? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ 20% तक। आप कितना खुश हैं? बीजेपी से 50-50 है। तो आपने देखा लखनऊ के जो जनता है उनकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 9 साल में बीजेपी सरकार ने कुछ बदलाव नहीं किया है, जैसे कि तैसा वही, आप उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, युवाओं के लिए कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है पूरी तरह से जो भारत का देश है वो पूरी तरह से उसकी दिशा बदल दी है, कई ऐसे जगहों पर जो है कि बदलाव आया है, तरक्की हुआ है, जो बेरोजगारी थी वो रोजगार में बदल गया है, महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं लाए, लड़कियों के लिए तमाम सुविधाएं लाए, पढ़ने के लिए जो लड़कियां पहले डर के घर से नहीं निकलती थी अब निडर होकर घर से निकल रही है, तो ऐसे तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं लखनऊ की जनता अपनी दे रही है, उनका साफ तौर कहना है कि 9 साल में जो बीजेपी सरकार तमाम योजनाएँ लाए, तमाम उपलब्धियाँ भी गिनाए हैं, वहीं दूसरे जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है।
तो इस प्रकार से लखनऊ की जो जनता है अपनी प्रतिक्रियाएं 9 साल के बीजेपी के कार्यकाल पर अपनी दे रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।